हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग एकेडमी। आशा है स्टूडेंट्स आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। एज यू नो, हम लोग का क्लास 11th का चैप्टर चल रहा है आपका एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन वाला। लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जितनी भी टाइप्स की आप लोगों की मतलब डिसीजेस होती हैं किडनी से रिलेटेड, कितने टाइप के किडनी स्टोन्स होते हैं और किडनी फेलर क्या होता है, वो सारी चीजें, राइट। अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि जब कभी भी किडनी फेलर हो जाता है तो किडनी फेलर के टाइमिंग पर पेशेंट को हीमोडायलिसिस कराया जाता है। वैसे तो मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया था, लेकिन स्टिल हम लोगों को डायलिसिस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, तो मैं इसका थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ छोटा सा। जब कभी भी किसी भी पेशेंट का किडनी फेलर हो जाता है उस टाइमिंग पर उस पेशेंट को डायलिसिस, डायलिसिस कह दीजिए, हीमोडायलिसिस कह दीजिए, ये कराया जाता है। अगर हमारी किडनी, किडनी यानी कि रेनाल 5 या 7% भी काम करना बंद कर देती है, मतलब 100% तो बहुत दूर की बात है, 10% भी अगर हमारी किडनी ने 5 से 7% भी काम करना बंद कर दिया और हमारे ब्लड में हार्मफुल सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है क्योंकि वो फिल्टर नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में पर्सन के ब्लड को आर्टिफिशियल तरीके से फिल्ट्रेट किया जाता है। वैसे तो आप लोग हीमोडायलिसिस आप लोगों ने 9th में भी और 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जहां पर हम लोग डायलिसिस मशीन का यूज करके ब्लड को फिल्टर करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि पेशेंट का जो ब्लड होता है वो उस ब्लड को उसकी बॉडी से आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, राइट। और इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट की रेडियल आर्टरी होती है, ये जो हैंड में होती है ये वाली आर्टरी होती है ना, रेडियल आर्टरी होती है, इस रेडियल आर्टरी से वो इंजेक्शन लगाते हैं, थोड़ा सा पाइप लगाते हैं और उसकी जो आर्टरी और वेन है उससे ब्लड को बाहर निकालते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, मैं थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं पहले इसका डायग्राम समझा देती हूँ फिर आगे की तरफ हम लोग मूव करेंगे। यहाँ पर देखिए ये पूरा पेशेंट है, इसकी रेडियल आर्टरी और वेन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता। अब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले इस रेडियल, ये है ये वाली ये आर्टरी वाला है, इस रेडियल आर्टरी से इसके ब्लड को रिमूव किया गया, बाहर निकाला गया, क्लीनिंग करने के लिए, फिल्ट्रेट करने के लिए, राइट। उसके बाद फिर यहाँ से इस तरीके से पूरा ये जो पूरा डायलाइजर होता है, डायलाइजर क्या है, यहाँ पर ये पूरा कंटेनर होता है, यहाँ पे इसके पूरे ब्लड को खींच के पंप करके उसकी बॉडी से इस डायलाइजर में लाया जाता है, ठीक, डायलाइजर में लिया। डायलाइजर में लाने के बाद इसके ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो यहाँ बाहर निकाली जाती है इस डायलाइजर में, ठीक, इस डायलाइजर में बाहर निकाली। इस डायलाइजर की दो ओपनिंग होती है, एक यहाँ ऊपर की साइड, एक बिल्कुल नीचे की साइड। अब यहाँ पे करते क्या है कि इस पेशेंट के ब्लड से जो भी इम्प्योरिटीज, जो भी फिल्ट्रेट बाहर निकला है वो इस ओपनिंग के थ्रू क्या है, बाहर निकाल दिया जाता है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं इसके थ्रू बाहर निकाल दिए। अब सिर्फ इस डायलिसिस में क्या बचा हुआ है, ब्लड बचा हुआ है, सिर्फ क्या है, सिर्फ ब्लड है। अब इस ब्लड को रिक्वायरमेंट है यहाँ पर ग्लूकोज और सॉल्ट की, तो यहाँ से जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है इस डायलिसिस में ग्लूकोज और सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो मिला दिया जाता है। तो ये ग्लूकोज और सॉल्ट का सॉल्यूशन पेशेंट का जो एकदम क्लीन ब्लड है उसमें जाके मिक्स हो गया, ठीक। अब यहाँ पर जब ये ब्लड पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है, इस ब्लड को फिर यहाँ से एक और ट्यूब के थ्रू पंप करके पेशेंट के वेन में भेजा जाता है। किडनी में हमने यही तो पढ़ा था, किडनी में आर्टरी से ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए, और जब फिल्टर हो जाता है तो किस में एंटर होता है, वेन में एंटर होता है। तो यहाँ पर भी यही है, दोबारा से आर्टरी में तो भेज नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि वहीं से आ रहा है वहीं से भेज देंगे। तो जो हमारा ब्लड फिल्टर हो गया और उसमें ग्लूकोज और सॉल्ट का सॉल्यूशन मिक्स कर दिया, वो हमारे कहाँ पर एंटर हो जाता है, फिर वेन वाले पार्ट में एंटर हो जाता है। वेन हमारे उस ब्लड को फिर वही हार्ट में ले जाती है, हार्ट से हमारा दोबारा से प्योरीफाई होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, देन ऊपर फिर से हमारी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। ये पूरी प्रोसेसर होता है हम लोगों का डायलिसिस का। इट इज पास थ्रू अ सेलोफेन ट्यूब दैट एक्ट एज अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये जो डायलिसर होता है ना, डायलिसर में ऐसी ट्यूब लगी रहती है,
इस तरीके से, उसमें दिखाई नहीं है, थोड़ा सा बहुत छोटा डायग्राम था। इसको बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब, इनको हम क्या बोलते हैं, सेलोफेन ट्यूब बोलते हैं। और इन सेलोफेन ट्यूब की जो मेम्ब्रेन होती है सेमी परमीएबल। सेमी परमीएबल की वजह से क्या होता है, एक सेकेंड मैं ट्यूब बना देती हूँ ढंग से, इस तरीके से। सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है कि उस ब्लड में जो फिल्टर होता है, फिल्ट्रेट होता है, वो तो इस सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये जो खाली बॉक्स है डायलेसर, इसमें आ जाता है, ब्लड इस ट्यूब में ही रहता है, ब्लड नहीं क्रॉस करता है सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन को। फिर उसके बाद यहाँ पे जितनी भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो इस जगह से बाहर निकल जाते हैं, और फिर यहाँ से दोबारा से ग्लूकोज और सॉल्ट के सॉल्यूशन इसमें डाला जाता है। अब ये ग्लूकोज सॉल्ट सॉल्यूशन इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दोबारा से ब्लड में एंटर हो जाता है, और जो हमारा ब्लड है दोबारा से क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। द ट्यूब इज इमर्ज इन अ फ्लूइड कॉल्ड डायलेसाइट। ये जो ट्यूब है ना, एक फ्लूइड के अंदर इमर्ज रहती है डायलेसाइट। डायलेसाइट इज अ आइसोऑस्मोटिक टू नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा। डायलेसाइट यानी कि इनके बीच में जो स्पेस खाली है, एक फ्लूइड फिल्ड रहता है, इसे बोलते हैं डायलेसाइट। डायलेसाइट एक तरीके से आइसोऑस्मोटिक है नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा के। हेंस ओनली एक्सेस सॉल्ट्स इफ प्रेजेंट इन प्लाज्मा पास थ्रू द सेलोफेन ट्यूब इनटू द डायलेसाइट। तो डायलेसाइट क्या है, आइसोऑस्मोटिक है, तो यहाँ पर हमारे ब्लड में जो एक्सेस कंसेंट्रेशन में सॉल्ट्स और अदर टॉक्सिक हैं, सिर्फ वही इस ट्यूब को क्रॉस करते हैं, सेलोफेन ट्यूब को, राइट। बाकी के अदर मॉलिक्यूल्स या जो सेल्स है हमारे, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो क्रॉस नहीं करते। नाउ द वे सब्सटेंस इज बीइंग एब्सेंट इन द डायलेसाइट मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द डायलेसिंग फ्लूइड। अब यहाँ पे जितने भी वे सब्सटेंसेस थे वो सब डायलेसाइट में आ चुके हैं, और बाकी के जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट थे वो ब्लड में ही रह जाते हैं। नाउ फिल्टर्ड ब्लड इज रिटर्न टू वे। अब जब हमारा ब्लड फिल्टर्ड हो गया तो उसको दोबारा से कहाँ भेज देते हैं, वेन्स में भेज देते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस इट इज एसेंशियल दैट एंटीकोगुलेंट लाइक हेपराइन इज एडेड टू द ब्लड व्हाइल इट इज पासिंग थ्रू द ट्यूब बिफोर रिसेंडिंग इट इनटू द सर्कुलेशन। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंटी हेपराइन इज मिक्स। और यहाँ पर एक चीज है कि जब यहाँ पर हमारा ब्लड फिल्टर्ड हो जाता है, उसको वेन में भेजते हैं, तो वेन में भेजने से पहले ना ग्लूकोज और सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ इसमें एक एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस ऐड करना पड़ता है जो कि हेपराइन है ब्लड में, क्योंकि अगर हम इस एंटीकोगुलेंट हेपराइन को ब्लड में ऐड नहीं करेंगे तो ब्लड हमारी बॉडी में जाके कोगुलेशन नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब हमारा ब्लड फिल्टर हुआ तो फिल्टर होने के टाइमिंग पर जो हेपराइन थे कुछ कंसंट्रेशन में एज अ वेस्ट वो भी रिलीज हो गए। तो अब जब हमारी बॉडी बॉडी में ब्लड को जब वापस भेजा जाएगा तो उसमें हेपराइन कम होगा, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस कम होगा, और जब कभी भी हमें चोट लग जाएगी या कुछ भी चीज होगी तो हमारा ब्लड कभी भी कोगुलेशन की प्रोसेस नहीं परफॉर्म कर पाएगा। इसीलिए जो डायलेसर होता है, डायलेसर में जो हम लोग ग्लूकोज और सॉल्ट का सॉल्यूशन डालते हैं, उसमें हम लोग हेपराइन को भी मिक्स करते हैं। हेपराइन क्या करेगा, हमारे ब्लड को एंटीकोगुलेंट बना देगा, जिसकी वजह से जब हमारे ब्लड को दोबारा से अंदर वेन में सर्कुलेशन के लिए भेजा जाएगा तो उसमें अच्छी खासी एंटी हेपराइन, जो हमारा हेपराइन कोगुलेंट है, वो मिक्स होगा और हमारे ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करेगा। द ब्लड हैज टू मूव स्लोली थ्रू द ट्यूब हेंस द प्रोसेस इज स्लो। ये ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लड हमारे वेन में जाता है ट्यूब के थ्रू वो थोड़ा सा स्लोली जाता है, तो ये प्रोसेस थोड़ी स्लो प्रोसेस है, मतलब काफी टाइम लग जाता है। मैं मानती हूँ इसमें कम से कम 8 से 10 घंटे लग जाते हैं पूरे इस डायलिसिस प्रोसेस में। डायलिसिस इज रिगार्डेड एज अ होल्डिंग मेजर अंटिल अ रेनाल ट्रांसप्लांट कैन बी परफॉर्म्ड और समटाइम्स एज द ओनली सपोर्टिव मेजर्स इन दोज फॉर होम अ ट्रांसप्लांट वुड बी इन अप्रोप्रिएट। यहाँ पर क्या बोला गया है, डायलिसिस एक तरीके से होल्डिंग मेजर है until a renal transplant can be performed। यहाँ पर डायलिसिस तभी वर्क करेगा, the holding measure। होल्डिंग मेजर का मतलब होता है कि जब तक किडनी का ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता है तब तक ये प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ती है पेशेंट के अंदर, राइट। और जब जैसे ही उसके अंदर किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद डायलिसिस की कोई जरूरत नहीं होती है। कभी कभी कंडीशन बन जाती है कि पेशेंट को ना ट्रांसप्लांट किडनी डोनेट डोनेट डोनर नहीं मिल पाता,
किडनी नहीं मिल पाती है उसको। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है यहाँ पर कि जो डोनर है, डोनर तो मिल नहीं पाया है, तो पेशेंट को ऑल टाइम डायलिसिस पर रखना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बस 12 साल होती है। मतलब अगर उसको डोनर नहीं मिल पा रहा है, उसकी किडनी पूरी तरीके से खराब हो रही है, खराब हो चुकी है, वो पूरी तरीके से डायलिसिस पर है, तो पेशेंट की जो लाइफ स्पैन होती है ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक ही कर पाता है। मतलब डायलिसिस पर वो 10 से 12 साल तक ही जी सकता है, उससे ज्यादा नहीं जी सकता। अब देखिए नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हम लोगों का यहाँ पर पेरिटोनियल डायलिसिस। एक तो होता है सिंपल हीमोडायलिसिस, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। In this method, the dialysing fluid is introduced in abdominal cavity और peritoneal cavity। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर peritoneal dialysis में जो dialysing fluid है, वो हमारी बॉडी के abdominal cavity में इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्या किया जाता है यहाँ पर, हमारी abdominal cavity में इंट्रोड्यूस किया जाता है। द पेरिटोनियल मैम्ब्रेन एक्ट एज सेमी परमेबल डायलिसिंग मैम्ब्रेन। और जो हमारी पेरिटोनियल मैम्ब्रेन है वो एक तरीके से सेमी परमेबल डायलिसिंग मैम्ब्रेन की तरह काम करती है। टॉक्सिक वेस्ट एंड एक्स्ट्रा सॉल्यूट पास इनटू द फ्लूइड। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, मैं पहले आपको डायग्राम ही दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये ड्रेनेज बैग है, यहाँ पर डायलिसिंग, यहाँ पर क्या किया, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में काफी स्पेस होता है, ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियल स्पेस। इसके अंदर यहाँ पर क्या है, एक ट्यूब इंट्रोड्यूस्ड कराई, एक ट्यूब इंट्रोड्यूस्ड कराई। यहाँ से फिर आप लोगों की एक ट्यूब हमारी जाती है वेस्ट बैग पे, जहाँ पे जो फिल्ट्रेट निकलेगा। एक ट्यूब इसमें नई ट्यूब कनेक्टेड रहती है, जिसमें हम लोग न्यू सॉल्यूशन डालते हैं ग्लूकोज एंड सॉल्ट का। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरा हम लोगों का पूरा अंदर है, ठीक। यहाँ पर हम लोगों ने जो ट्यूब डाली है, ये ट्यूब हमारे एक तरीके से पेरिटोनियल यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। और हमारी किडनी में, ब्लड में जो भी टॉक्सिक वेस्ट होते हैं या एक्स्ट्रा सॉल्यूट्स हैं, यहाँ इस पूरी मेम्ब्रेन के अंदर इंट्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। एंटर होने के बाद ये सारे के सारे वेस्ट यहाँ आते हैं, और जो हम लोगों का ये जो पूरा ड्रेनेज बैग होता है इसमें जाके एंटर हो जाते हैं। जैसे ही हम लोगों के ब्लड में से पूरा ड्रेनेज बाहर की साइड आ गया, यहाँ पर अब क्या हुआ कि यहाँ पर न्यू ग्लूकोज और सॉल्ट का सॉल्यूशन दोबारा से इस ट्यूब से एंटर कराया जाता है, और फिर हमारी बॉडी के एब्नॉर्मल कैविटी में एंटर करा दिया जाता है। नाउ दिस फ्लूइड इज ड्रेन्ड आउट आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो फ्लूइड है, ये डॉक्टर बताते हैं कि कितने टाइम बाद इस फ्लूइड को निकालना पड़ता। जरूरी नहीं है, जैसे डायलिसिस का टाइम पीरियड होता है कि 8 से 10 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 24 घंटे बाद रिपीट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डॉक्टर बताते हैं कि कितने टाइम पीरियड बाद ये फ्लूइड को ड्रेन करना है। पेरिटोनियल डायलिसिस कैन बी रिपीटेड एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट। और ये जो मेथड है इसको दोबारा से रिपीट किया जा सकता है अगर पेशेंट की नीड है। इट कैन बी कैरिड आउट एट होम, एट वर्क और वाइल ट्रेवलिंग। इसे तो हम तब भी कर सकते हैं जब आप घर पे वर्क कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बट इट इज नॉट एज एफिशिएंट एज हीमोडायलिसिस। लेकिन ये हीमोडायलिसिस की तरह ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। किडनीज आर एसोसिएटेड विद सेक्रीशन ऑफ इराइथ्रोपोटीन, रेनिन, कैल्सिटेरॉल, व्हिच इज नॉट पॉसिबल यूजिंग डायलिसिंग मशीन। देखिए हम लोगों ने किडनीज में काफी सारे सेक्रीशन पढ़े थे, इराइथ्रोपोटीन सेक्रीट हो रहा था, रेनिन सेक्रीट हो रहा था, कैल्सिटेरॉल सेक्रीट हो रहा था। लेकिन ये जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं ये डायलिसिस मशीन में पॉसिबल नहीं हो सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये किडनी के सब्सटेंसेस हैं जो किडनी ही रिलीज करती है, ये सब्सटेंसेस कोई कोई और आर्टिफिशियली नहीं बना सकता है, और डायलिसिस मशीन में ना ही इसमें ऐड हो सकते हैं। उसके बाद है हम लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट। इट इज अ ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑफ अ हेल्थी किडनी इनटू अ पेशेंट विद एंड स्टेज रिनल डिजीज। ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, जब किसी की किडनी खराब हो जाती है किसी की, पेशेंट की, और बिल्कुल एंड स्टेज आ जाता है उसकी डिजीज, किडनी डिजीज का, तो फाइनली उसकी किडनी को ट्रांसप्लांट करना ही पड़ता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज क्लासिफाइड एज डिसीज्ड डोनर। किडनी ट्रांसप्लांटेशन हम लोगों की मतलब एक तरीके से
डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है। एक होता है डिसीज्ड डोनर, एक होता है लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट। अब यहाँ पर दो टाइप के डोनर हैं। दो टाइप के डोनर क्या होते हैं? एक होता है आपका लिविंग डोनर, ठीक, दूसरा होता है यहाँ पर नॉन लिविंग डोनर। आप लोगों ने सुना होगा कि जिन लोगों की डेथ होने वाली होती है, कोई कोई पर्सन क्या करते हैं, वो पहले से ही एक गवर्नमेंट नोट पर साइन कर जाते हैं कि जब हमारी डेथ हो जाएगी तो हमारे इस ऑर्गेन को आप डोनेट कर सकते हैं, राइट। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है और उसने साइन करके दिया है कि मेरी डेथ हो जाए तो मेरे ऑर्गेन को आप डोनेट कर सकते हैं, तो उसकी डेथ हो जाने के बाद नॉन लिविंग हो गया ना, डेथ हो गई तो नॉन लिविंग हो गया, उसकी किडनी को किसी दूसरे को डोनेट कर दिया जाता है। एक होते हैं हमारे लिविंग, कि वही कोई लिविंग है और वो अपने जिंदा रहते हुए अपने किसी ऑर्गेन को किसी दूसरे को डोनेट करना चाहता है तो वो डोनेट कर देता है। और अपने एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी में दो किडनी होती है, एक किडनी से आसानी से एक इंसान जी सकता है, नॉर्मली अपनी नॉर्मल लाइफ को स्पेंड कर सकता है। तो दो टाइप के डोनर होते हैं, एक होते हैं हमारे लिविंग डोनर जो अपने यहाँ पर मतलब लिविंग अपने लाइफ टाइम में ही अपने किडनी डोनेट कर देते हैं, दूसरे होते हैं नॉन लिविंग जो मरने के बाद करते हैं। अच्छा, अब लिविंग में भी दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट, लिविंग में भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे रिलेटेड, दूसरे होते हैं हमारे नॉन रिलेटेड। बहुत इजी, रिलेटेड एंड नॉन रिलेटेड। अगर आपको किसी रिलेटिव ने दिए, आपके मम्मी पापा भाई बहन ने, वो रिलेटेड, और किसी अदर ने दिए जिसकी आपकी कोई जान पहचान नहीं है, जस्ट अ स्ट्रेंजर, नॉन रिलेटेड, सिंपल। ये किडनी ट्रांसप्लांट का जो कॉन्सेप्ट है, ज्यादा से ज्यादा आपका 2 या 3 मार्क्स में आता है, ठीक, 2 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स का तो बहुत ही मुश्किल है, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन जो हीमोडायलिसिस वाला है वो आपका 3 से 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं, क्लियर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आप लोगों का जो चैप्टर है स्टूडेंट होता है एंड, फाइनली हम लोगों का चैप्टर एंड हो गया है, ठीक है। अब इस चैप्टर के जो मिड सेक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, उनका डिस्कशन है, उनको मैं जल्दी आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊंगी जिसपे आप लोगों का पूरा डिस्कशन वाला सेशन होगा, ठीक। आशा है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार रिविजन तो करना ही पड़ेगा, बिना रिविजन के ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो रिविजन करते चलिए साथ के साथ, और सब कुछ आप लोगों का क्लियर होता जाएगा। अब आपका बस लास्ट चैप्टर बचा हुआ है इस पूरे क्लास 11th का, कोशिश करेंगे कि जल्दी वो भी आपका फिनिश हो जाए एटलीस्ट एग्जाम से पहले, राइट। ओके, चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट अपने सेशन के साथ, इसके डिस्कशन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।